पैराडॉक्स यानी ऐसे सवाल जो विरोधाभास पैदा करते हैं। ऐसे सवालों का कोई एक निश्चित जवाब नहीं दिया जा सकता। ये पैराडॉक्स ऐसे प्रश्न होते हैं जो सत्यता के आधार पर खड़े होते हैं, लेकिन उसका जवाब स्वीकार न किया जाने वाला अटपटा या विरोधाभासी होता है। इन पैराडॉक्स को कई लोग अमान्य तर्क भी कहते हैं, लेकिन ये अस्वीकृत तर्क वाले पैराडॉक्स हमारी सोच को बढ़ावा देते हैं और इंसान की बुद्धि को बढ़ावा देने के लिए तथा किसी भी चीज के बारे में बारीकी से सोचने के लिए ये पैराडॉक्स बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में बात करते हैं ऐसे पैराडॉक्स की जो आपकी बुद्धि को विकसित करेंगे और आपको सोचने पर मजबूर करेंगे। तो वेलकम बैक टू द नॉलेज, मैं हूँ हितेश गिरी कोसाई और आप है हेल्थी और साइंटिफिक ज्ञान से परे एक चैनल द नॉलेज पर। और अगर आप यहाँ पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, बिकॉज नॉलेज इज एवरीथिंग। नंबर एक, पैराडॉक्स ऑफ द कॉइड। इस पैराडॉक्स के अनुसार एक लड़के को लॉ करना था, वकालत सीखनी थी, लेकिन उस लड़के के पास इसके पैसे नहीं थे, तो वो एक प्रोफेसर के पास गया और उनसे रिक्वेस्ट की कि वो उन्हें वकालत सिखाए, लेकिन वो उनकी फीस तब देगा जब वो वकील बनकर अपना पहला केस जीत जाएगा। अब प्रोफेसर ने इस विद्यार्थी की बात मान ली और उसे वकालत सिखा दी और एग्जाम को फाइट करके किसी तरह वो लड़का वकील तो बन गया, लेकिन वो कभी भी कोई भी केस नहीं लड़ा। और जब प्रोफेसर ने उसकी ट्यूशन फीस मांगी तब उसने पैसे देने से इनकार कर दिया, क्योंकि शर्त के अनुसार विद्यार्थी अपने पहले केस को जीतने के बाद प्रोफेसर को उनकी फीस देने वाला था और अब तक वो कोई केस लड़ा नहीं था। अब प्रोफेसर ने अपनी फीस वसूल करने के लिए उस विद्यार्थी पर कोर्ट में केस कर दिया और कोर्ट में ये कहा कि अगर मैं ये केस जीत जाता हूँ तो कोर्ट के नियम के अनुसार इसे मुझे मेरे पैसे दे देने होंगे, और अगर मैं अपना ये केस हार जाता हूँ फिर भी इस लड़के को मुझे पैसे देने होंगे, क्योंकि शर्त के अनुसार उसे अपना पहला केस जीतने पर इस लड़के को मुझे मेरी वकालत सिखाने की फीस देनी होगी। अब दोस्तों आप ये सोच रहे होंगे कि इसमें कौन सा पैराडॉक्स है, यहाँ तो उस विद्यार्थी को किसी भी हाल में प्रोफेसर को पैसे देने ही देने हैं, अगर वो केस जीतता है तब भी और हारता है तब भी। लेकिन दोस्तों अपनी सोच के स्क्रूज को और टाइट कीजिए और इस गुत्थी को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि विरोधाभास इस लड़के के स्टेटमेंट में खड़ा होता है। लड़के के कहने के अनुसार कि अगर मैं ये केस जीत जाता हूँ तो कोर्ट के नियम के अनुसार, क्योंकि मैं अपना ये केस जीत गया हूँ, मुझे कोई फीस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और अगर मैं अपना ये केस हार जाता हूँ तब भी मुझे प्रोफेसर को कोई फीस देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शर्त में ये तय हुआ था कि अगर मैं अपना पहला केस जीतूंगा तो ही मैं उनकी फीस के पैसे दूंगा। इस तरह प्रोफेसर और वो विद्यार्थी अपनी अपनी कही हुई बातों से पैराडॉक्स पैदा करते हैं। इस पैराडॉक्स का आविष्कार पौराणिक ग्रीक के फिलोसोफर्स ने किया था। नंबर दो, द बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स। दोस्तों ये एक टाइम ट्रैवल से रिलेटेड पैराडॉक्स है और ये वाकई में आपको सोचने पर मजबूर करेगा, क्योंकि इस पैराडॉक्स में समय एक लूप में चलता है और समय की टाइमलाइन पर कौन सी घटना पहले घटी थी और कौन सी बाद में घटी थी ये बता पाना मुश्किल होता है। चलिए इस बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स को एक एग्जांपल से समझते हैं। मानो कि आप अभी 2024 में जी रहे हो और इस दौरान आप एक साइंटिस्ट हो और 2024-25 के दौर में आपने एक टाइम मशीन बना ली और आपने सोचा कि चलिए इस टाइम मशीन के द्वारा पास्ट में जाकर अल्बर्ट आइंस्टाइन से मिला जाए, और आपने ये टाइम मशीन ऑन की और आप सीधा इस टाइम मशीन के जरिए अल्बर्ट आइंस्टाइन के दौर में चले गए और वहां पर आपकी मुलाकात अल्बर्ट आइंस्टाइन से होती है और आपने उन्हें बताया कि आप भविष्य से हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन मजे हुए साइंटिस्ट थे, इसलिए उनके लिए कोई भी घटना इम्पॉसिबल नहीं थी, तो उन्होंने आपसे पूछा कि आप भविष्य से पास्ट में आए कैसे, और तब आपने आइंस्टाइन को बताया कि आपने साल 2024 में एक टाइम मशीन बनाई थी, इसकी रचना की थी और जिसके जरिए आप पास्ट में आ पाए। और अब अल्बर्ट आइंस्टाइन आपको टाइम मशीन बनाने का तरीका पूछते हैं कि आपने ये टाइम मशीन कैसे बनाई, और आपने भविष्य में जो भी सीखा था वो सब कुछ खुशी खुशी अल्बर्ट आइंस्टाइन को बता दिया और अल्बर्ट आइंस्टाइन को टाइम मशीन बनाने का तरीका सिखा दिया, और इसके बाद आप उन पास्ट के लम्हों को जीकर सर अल्बर्ट आइंस्टाइन को मिलकर फिर से अपने दौर में भविष्य में आ गए। लेकिन जब आप अपने दौर में वापस आए तो आपने देखा ये क्या, टाइम मशीन को तो भूतकाल में ही किसी ने बना दिया है, करीब एक सदी पहले। जी हाँ, भविष्य में किसी व्यक्ति ने भूतकाल में जाकर सर अल्बर्ट आइंस्टाइन को टाइम ट्रैवल की मशीन का फॉर्मूला बता दिया था, जिससे भूतकाल में ही बहुत टाइम पहले अल्बर्ट आइंस्टाइन टाइम मशीन बना चुके हैं। और इसलिए अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि असल में टाइम मशीन का आविष्कार कब हुआ था और किसने किया था।
आपके दौर में या अल्बर्ट आइंस्टाइन के दौर में? अब आप कहोगे कि टाइम मशीन को तो आपने अपने दौर में साल 2024 में बनाया है, तो सवाल ये है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन जो अब इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने तो आपके इस दुनिया में आने से भी पहले टाइम मशीन को बना लिया था। और इसलिए अगर समय के टाइमलाइन से देखा जाए तो अल्बर्ट आइंस्टाइन के युग में बनी टाइम मशीन ही सबसे पहली टाइम मशीन थी, और इसे सबसे पहले बनाने का श्रेय अल्बर्ट आइंस्टाइन को जाएगा, क्योंकि उन्हीं के दौर के बाद ही तो आपका दौर आया और तब जाके आपने टाइम मशीन बनाई। लेकिन यहाँ पर पैच ये है कि आपने पहले टाइम मशीन बनाई तभी तो जाकर आपने अल्बर्ट आइंस्टाइन को सिखाया और इसके बाद उन्होंने बनाई, तो इस हिसाब से तो पहले टाइम मशीन आपने बनाई और आपके दौर में बनाई। दोस्तों इसी को बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स कहते हैं, जिसमें कौन सी घटना पहले घटी थी और कौन सी बाद में, इसका कोई ओरिजिन नहीं होता। दोस्तों अगर ये एग्जांपल आपको पसंद आया है तो इस पर एक बहुत ही शानदार नेटफ्लिक्स पर सीरीज है जिसका नाम है डार्क। इस डार्क सीरीज को आप देख सकते हो, जिसमें आपको टाइम ट्रैवल, पैरेलल यूनिवर्स और साइंस के रिलेटेड बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। नंबर 3, लायर्स पैराडॉक्स। इस पैराडॉक्स के अनुसार अगर कोई इंसान ये कहता है कि वो झूठ बोल रहा है, यानी कि वो जो कुछ भी बोलता है वो सब कुछ झूठ है, तो ऐसे में अगर वो सच में रोजाना झूठ बोलता है तो उसने कही झूठ बोलने वाली बात सच होगी, और इस हिसाब से तो वो हमेशा झूठ नहीं बोलता, क्योंकि वो रोजाना झूठ बोलता है ऐसा कहकर उसने एक सच बोल दिया, और ये बात उसके विधान से विरोधाभास पैदा करती है, और इसीलिए इसे लायर्स पैराडॉक्स कहते हैं। नंबर 4, ओमनीपोटेंस पैराडॉक्स। ओमनीपोटेंस का मतलब होता है सर्वशक्तिमान। कहा जाता है कि इस पैराडॉक्स को एवेरोइज नाम के फिलोसोफर ने 12वीं शताब्दी में रचा था। इस ओमनीपोटेंस पैराडॉक्स के अनुसार मान लो कि गॉड सर्वशक्तिमान है, और क्योंकि गॉड सर्वशक्तिमान है इसलिए गॉड एक ऐसा पत्थर बना सकते हैं जो इतना भारी है कि इसे कोई भी उठा नहीं सकता, खुद गॉड भी नहीं। और अगर सर्वशक्तिमान होने के बावजूद भी गॉड उस पत्थर को नहीं उठा सकते तो उनका सर्वशक्तिमान होने का कथन गलत साबित होता है। और अगर उस पत्थर को गॉड उठा सकते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि गॉड कोई ऐसा पत्थर नहीं बना सकते जिसे कोई ना उठा सके। तो इस तरीके से ये पहला बयान दूसरे बयान से और दूसरा बयान पहले बयान से विरोधाभास पैदा करता है, और इस दिमाग चकरा देने वाली गुत्थी को ओमनीपोटेंस पैराडॉक्स कहते हैं। नंबर 5, स्मोलियन पैराडॉक्स। ये पैराडॉक्स भी पैराडॉक्स ऑफ द कॉर्ड की तरह एक कहानी के रूप में है। मान लीजिए कि एक रेगिस्तान में ए, बी और सी तीन लोग एडवेंचर के लिए निकलते हैं। अब किसी कारणवश ए और बी को सी नाम का व्यक्ति पसंद नहीं है, इसलिए वो दोनों ही अपनी मौलिक स्वतंत्र इच्छा से सी को मारने की साजिश बनाते हैं। अब ए नाम का व्यक्ति सी नाम के व्यक्ति के पानी की बोतल में जहर मिला देता है, ताकि सी नाम के व्यक्ति को जब रेगिस्तान में प्यास लगे तब वो पानी के साथ जहर पीकर मर जाए। अब ए की ये प्लानिंग बी को पता नहीं थी, इसलिए बी अपनी तरफ से सी को मारने की अपनी दूसरी प्लानिंग बनाता है। बी सी की पानी की बोतल में एक छेद कर देता है ताकि जब प्यास लगे तो उसे पानी ना मिले और डिहाइड्रेशन की वजह से वो रेगिस्तान में प्यासा ही मर जाए। अब ये पूरी की पूरी प्लानिंग इंप्लीमेंट करने के बाद ये तीनों लोग रेगिस्तान में अलग अलग हो जाते हैं, और आखिरकार पानी ना मिलने की वजह से सी की रेगिस्तान में डिहाइड्रेशन की वजह से मौत हो जाती है। पुलिस आती है, छानबीन करती है, और सवाल ये पैदा होता है कि आखिर सी की मौत का असली गुनहगार कौन है। इस बात पर ए ये कहता है कि सी ने मेरा जहर पिया ही नहीं है, इसलिए मैं इसकी मौत का गुनहगार नहीं हूँ। और दूसरी तरफ बी ये कहता है कि पानी की बोतल में छेद करके मैंने सी को जहर से मरने से बचा लिया, और अब इस कसमकस में सी तो मारा गया, लेकिन वास्तव में सी की हत्या का असली आरोपी कौन है, ये गुत्थी इस कहानी को पैराडॉक्स बनाती है। अगर आपको इसका जवाब पता है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आप द नॉलेज पर नए हैं तो हेल्दी और साइंटिफिक ज्ञान के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाए, बिकॉज नॉलेज इज एवरीथिंग। अपना बहुत सारा ध्यान रखें। हैव अ वंडरफुल डे, टेक केयर।